हम की, हम क्या इस देश के नागरिक नहीं है? हमें क्यों मारना चाहता है? मारिए ना, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। आप मत दीजिए सुरक्षा, सुरक्षा कंगना को दीजिए, संदीप चौधरी को दीजिए। मैं पैदा ही हुआ हूँ इंसानियत को बचाने के लिए, सच बोलने के लिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर दिए गए बयान के बाद से पप्पू यादव पिछले कुछ महीनों से चर्चा में हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को कथित जान से मारने की धमकी के संबंध में उन्होंने ऐसी धमकियां मिलने के पीछे के कारणों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि धमकियों के पीछे के लोगों की पहचान करना इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ की जिम्मेदारी है। पप्पू यादव ने यह भी बताया कि सरकार कंगना रनौत जैसे व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करती है और सरकार से मामले की जांच करने के अपने कर्तव्य को पूरा करने का आग्रह किया। इस बात पर जोर देते हुए कि देश के नागरिक के रूप में वह समान ध्यान और सुरक्षा के हकदार हैं, सुनिए अपने सुरक्षा को लेकर के पप्पू यादव ने और क्या कुछ कहा। आप ये तय नहीं करेंगे कि ये आ क्यों रहा है धमकी, ये क्यों दे रहा है, बार बार है कौन, इसके पीछे क्या कारण है, हमें क्यों मारना चाहता है, कौन है मरवाने वाला, मरवाने वाला भी तो कोई होगा, इसको कौन ढूंढेंगे, मैं गलत हूँ या आप सच हैं, या आप गलत हैं या मैं सच हूँ। तो ये झूठ और सच की जिम्मेदारी IB है, रॉ है, इंटेलिजेंस है। आप मत दीजिए सुरक्षा, सुरक्षा कंगना को दीजिए, संदीप चौधरी को दीजिए, हम लोगों को दीजिए। लेकिन आप एक परिवार का दायित्व को तो निभाइएगा, आप जांच तो कीजिएगा, जनता के सामने लाइएगा। तो हम क्या इस देश के नागरिक नहीं है? क्या इस देश के कानून और संविधान के लिए खड़े नहीं होते हैं? छोड़ दीजिए MP MLN, 4 बार 5 बार 6 बार कोई माने नहीं रखता, लेकिन एक इंसान तो हूं। क्या इस जिम्मेदारी का भी निर्वहन सरकार नहीं करेगी? क्या जांच भी नहीं करेगी? ये लोग हैं कौन, इसकी भी बात नहीं लाएंगे? सही है या नहीं, गलत है, इसकी भी बात नहीं लाएंगे? मैं यही तो चाह रहा हूं। मारिए ना, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। सांसद जी, इसी तरह ये बताएं कि जिला प्रशासन के द्वारा आपको जो सुरक्षा मुहैया कराई गई वो काफी है? भैया आप उनसे पूछिए ना, उनसे पूछिए, कोई मतलब ही नहीं है। मैं कैसे बोलूं काफी है सही? ऊपर से नीचे जिसको जेट प्लस, जिसको जेट, जिसको उसके पूछिए। ये जो सरकार के साथ रहेंगे उनके नफरत मदद करेंगे, खोदो इंडिया में मदद करेंगे, जो देश को बांटने में मदद करेंगे, आप उनसे पूछिए। एक जानकारी ये भी कि जब आप झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, नहीं कई बार, एक बार नहीं कई बार, यानी आपको चुनाव प्रचार सोरेन जी के पक्ष में ना कर, एक बार नहीं कई बार, वो सब चलिए, वो सब चिंता मत करिए, वो सब दायित्व है, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। मैं पैदा ही हुआ हूँ इंसानियत को बचाने के लिए, सच बोलने के लिए और नफरत को मिटाने के लिए।